अच्छा ये बात समझ में आ रही है, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर आकार वाला है और उसका एक स्वरूप है, ये सही है, या आत्मा आकार वाला है उसका एक स्वरूप है ये सही है, इन दोनों में से सही कौन सा है? तो हमको लगेगा कि शरीर साकार है, आत्मा निराकार है, है ना? अगर एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि शरीर निराकार है, आत्मा साकार है। इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, आत्मा एक व्यक्ति है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो भगवान क्या है? सच एक आनंद स्वरूप है, भगवान का आकार है, तो अंश है तो उसका भी आकार है, ठीक है? आत्मा का आकार इसलिए है क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन शरीर जो है, प्रत्युत भौतिक भौतिक वेश जो है, वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी पुरुष के रूप में रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। ये जो शरीर है ना, उसका कोई आकार नहीं है। कोई आकार कैसे नहीं है? जैसे जो ये तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसका कोई आकार नहीं है ना। जैसे पृथ्वी का कोई आकार नहीं, उसको जैसा आप आकार दोगे वैसा बन जाएगा। जल का कोई आकार नहीं, गिलास में डालोगे तो सीधा हो जाएगा, प्याली में डालोगे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर प्लेट में जल डालोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो वायु का कोई आकार नहीं है, जिसके अंदर डालेंगे वैसा हो जाएगा। तो इन भौतिक तत्वों से मिलकर क्योंकि ये शरीर बना है, तो शरीर का कोई आकार नहीं है। जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, आप उस शरीर को कुछ मत करो, जलाओ मत। अगर एक जगह पे रख भी देंगे ना, तो भी वो शरीर जो है वो गलते 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 एक एक पिंड बन जाएगा, एक रेत का एक पिंड बन जाएगा, और बोन्स अलग हो जाएंगी और खुद वायु वायु में मिल जाएगी, और मिट्टी जो है वो मिट्टी का ढेर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जगह पे जाते हैं तो हम उसके अनुसार एक ड्रेस पहनते हैं। तो इस भौतिक जगत में जब शरीर आता है, तो आत्मा आता है, तो वो अपने वासना के अनुसार एक शरीर को धारण करता है। आत्मा का अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप है, ये बात समझनी है। और सब इंद्रियां हैं आत्मा की, आत्मा के आंखें भी हैं, आत्मा के कान भी हैं, आत्मा की त्वचा भी है, आत्मा की नासिका भी है, आत्मा के सारे जो अंग हैं वो हैं। मन के अंदर जो प्रवृत्ति होती है, वो जीव को अगले शरीर प्राप्त करने में ऐसा यम यम वापिस स्मरण भाव, जिसको याद किया वैसा मिलेगा। भगवान को याद करोगे तो भगवान कहते यान्ति मध्या जिनो पीमा, तो मुझे प्राप्त करेंगे।